हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तुलाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का वीडियो दोस्तों एक हेल्पिंग वीडियो है। ये तो आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, आज वो बच्चे मेरे जितने बड़े हो गए हैं। और जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, उन लोग मुझसे इंस्पायर होकर उन लोग भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो बना भी रहे हैं। लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके वीडियो में आवाज़ कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि सर, आप अपने वीडियो में आवाज़ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को बताने के लिए सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं। उनके जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे, तो उन लोगों को भी मदद हो जाएगा और मेरे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को मदद हो जाएगा। एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ उसमें कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई माइक नहीं है। ज़्यादातर यूट्यूबर बोया का माइक यूज़ करते हैं और मेरे पास फिलहाल बोया का माइक नहीं है, कोई भी माइक नहीं है। मैं डायरेक्ट मोबाइल से वीडियो को शूट करता हूँ और उसमें जो आवाज़ आती है उसी आवाज़ को थोड़ा एडिटिंग करके बढ़ा देता हूँ और बस वही आवाज़ होती है। मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, स्मार्टफोन से, और मेरा मोबाइल और मेरे बीच में दूरी 1 मीटर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है। इतना ही दूर में आपको अपना मोबाइल रखना है और शूट करना है वीडियो को। अपने वीडियो का साउंड आप डबल और उससे अधिक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा काइन मास्टर में कैसे एडिटिंग किया जाता है। तो आइए, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने काइन मास्टर खोल लिया है। अब इसमें कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोदी जी का एक वीडियो है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं और इसको चला के देखते हैं इसमें कितना आवाज़ आ रहा है, सुनते हैं हम लोग। कोरोना संकट समय में लोकल ने ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दें, इसमें साउंड बार्स यहाँ नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पे ये साउंड बार्स कितना ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ये साउंड बार्स जितना ऊंचा जाएगा आप समझिए कि इसका वॉल्यूम उतना ही सही रहेगा, उतना ज़्यादा आएगा। तो उसको हम साउंड वॉल्यूम को, साउंड बार्स कैसे ऊंचा होगा हम लोग देखते हैं। इसको पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है साउंड का। यहाँ पे ये सिम्बल दिखा रहा है साउंड का, ये 100% दिखाई दे रहा है। हम इसको 80% कर सकते हैं। अगर 200% करते हैं तो हो सकता है कि आवाज़ इसका ख़राब हो जाए, फट जाए। 80% या 90% से नीचे रखना है, तो हम इसको 84% कर देते हैं और फिर इसको साउंड को सुनते हैं, इसको प्ले करके। साथियों, कोरोना संकट में देखिए थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है, यहाँ तक जा रहा है 50%। ये यहाँ पे 50% का मार्क लगा हुआ है, इससे नीचे है ये। अब हम लोग इसको और दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो वॉल्यूम, इसको ऑन कर देते हैं, इससे भी साउंड कुछ बढ़ जाता है। इसको ऑन कर देते हैं, अब फिर से इसको प्ले करके इसका आवाज़ को देखते हैं साउंड बार्स कहाँ तक जा रहा है। साथियों देखिए ये कोरोना संकट में यहाँ तक जा रहा है, मतलब बढ़ गया, काफ़ी बढ़ा हुआ है साउंड बार्स, काफ़ी ऊँचा जा रहा है। इसको और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ पर नीचे में देखेंगे ये वॉल्यूम इनवेलप, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक इस वीडियो को पूरा शुरू कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बीच में लाइन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है, इसको भी बढ़ा लेते हैं। हम इसको 80% 90% से नीचे रखना है, 80% हम इसको कर लेते हैं ताकि आवाज़ ख़राब ना हो, 80% या उसके आसपास रहेगा, 82% है। और इसको पूरा पीछे ले जाते हैं, पूरा एंड ले जाते हैं वीडियो के एंड तक। आपको ये वाइट कलर का जो ये लाइन दिख रहा है ये भी इक्वल होना चाहिए, वहाँ जितना ऊँचा है यहाँ लास्ट में भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये बिंदु पर प्ले हेड को इस पर लाएंगे और यहाँ पे ये 100% अब लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको भी हम 80% ले जाएंगे, ये 80% चला गया और फिर इसको शुरू कर लेंगे। शुरू करने के लिए यहाँ से शुरू हो गया और इसको फिर आप सुनते हैं। साथियों देखिए कोरोना संकट में हमें अब काफ़ी ऊँचा जा रहा है ये साउंड बार्स, यहाँ तक जा रहा है लोकल। तो इस प्रकार से लोकल सप्लाई चेन यहाँ तक साउंड बार्स पहुँच गया है। इसका मतलब है कि साउंड काफ़ी बढ़ चुका है। इस तरह से हम लोग किसी भी वीडियो का साउंड को डबल से भी उसका 4 गुना डबल कर सकते हैं
और उससे ज़्यादा करेंगे तो संभवतः ऑडियो इसका खराब हो सकता है, इसीलिए इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ जरूर फायदा होगा, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आवश्यकता पड़ने पर इस तरह की हेल्पिंग वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।